हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में, जिसने आज भी हमें निराश किया। आज एक्सपेक्टेड था कि अच्छा जंप दिखाएगा क्योंकि मार्केट भी ऊपर था, आज फिर भी इसमें हमें गिरावट देखने को मिली। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। ब्रैडकॉम ग्रुप का आज का अगर आप देखोगे, एक बार 34 रुपीज़ का लो लगाया था एक बार, और बाद में ऊपर गया। 40 रुपीज़ 40 पैसे का हाई लगाया था और बाद में क्लोजिंग दिया अराउंड 38 रुपीज़ 50 पैसा। सो अराउंड 3% का इसमें डाउनफॉल आज भी देखने को मिला, जो कि हमें उम्मीद थी आज तेज़ी दिखाएगा, क्योंकि उसके दो एक्सपेक्टेड कारण थे। एक तो मार्केट भी ऊपर था आज, दूसरा आज ही मीटिंग होने वाली है, जिसका अभी आउटकम हमें उम्मीद था कि लोगों के मन में पॉजिटिविटी रहेगी इसके बारे में, अनाउंसमेंट के बारे में, और तेज़ी रहेगी, पर हुआ उसके बिल्कुल उल्टा। क्यों हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। NSE पे अराउंड 2,17,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए, BSE पे अराउंड 28,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए, ऑल टुगेदर अराउंड 2,45,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए, जो कि वॉल्यूम तो ठीक ठाक था आज भी, बट गिरावट थी, सेलिंग प्रेशर एंड तक चल रहा था, सेलिंग ऑर्डर ज़्यादा थी इन कंपेरिजन टू बाइंग ऑर्डर। आज निफ्टी IT में भी हमें 1% की तेज़ी देखने को मिली, निफ्टी 50 में भी 1% की तेज़ी देखने को मिली, बाकी काफ़ी शेयर्स भागे। बट ब्रैडकॉम ग्रुप में, जो कि हम लोग जनरली एक्सपेक्ट करते हैं, और कल तो US मार्केट भी जबरदस्त ऊपर था, नैसडैक भी काफ़ी तेज़ी में था, उसके बावजूद भी ब्रैडकॉम ग्रुप में आज तेज़ी देखने को नहीं मिली, तो आप सब लोग और मैं भी काफ़ी निराश हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए, एक्चुअली कल जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन करके आज कर दी गई, कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पर गया है। फिर से बातें चलने शुरू हो गई कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी का अच्छा नहीं है, ये भी रूमर्स मार्केट में चल रहे हैं कि ऑडियो कंपनी के बारे में हो सकता है कोई पॉजिटिव एंड कॉन्क्रीट न्यूज़ निकल कर नहीं आए, थोड़ी बहुत कोई तो भी छोटी मोटी न्यूज़ बता देंगे कि बात चल रही है, फाइनल हो रहा है, और कुछ कॉन्क्रीट निकल कर नहीं आया मीटिंग में। तो ये डर के मारे भी लोगों ने आज भी इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग में इंटरेस्ट दिखाया नहीं, यही निगेटिव बात है ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए। जबकि आज की मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसका आउटकम ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आ जाता और कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती अबाउट कॉन्क्रीट प्रपोजल ऑफ एक्विजिशन, कंपनी का नाम, डील क्या होने वाली है, पेमेंट कैसा होने वाला है, ये सब चीज़ें अगर हाईलाइट हो जाती आज, तो ज़रूर इसके बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मार्केट में आती। बट अगर आज के मीटिंग में कंपनी ने इतना ही कहा कि एग्रीमेंट के पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं और हम जल्दी ही बताएंगे, तो इस न्यूज़ का कोई खास इफेक्ट ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर पर नहीं होगा, जब तक कोई कॉन्क्रीट बात नहीं बताएंगे, जब तक इसमें पॉजिटिविटी नहीं आने वाली है। तो ये जो मीटिंग का रिजल्ट है अभी तक तो नहीं आया है, काफ़ी बार तो जो मॉर्निंग में भी होता है, बट मोस्टली ब्रैडकॉम ग्रुप की जो मीटिंग होती है रात को होती है, तो हो सकता है रात को इसके बारे में पता चले। बट मीटिंग से कोई खास एक्सपेक्टेशन शायद मार्केट ने नहीं रखा, जिसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों ने नहीं दिखाया, उल्टा लोगों ने सेल ऑफ करना शुरू कर दिया, यही सोचकर कुछ निगेटिव आएगा मीटिंग में या कुछ पॉजिटिव खास निकल कर नहीं आएगा, ऐसा ही एक्सपेक्टेशन मार्केट में आ रहा है, ऐसा दिख रहा है आज के मार्केट के मूवमेंट से ब्रैडकॉम ग्रुप के। फ्रेंड्स आज और एक बात होने वाली है, दो इंपॉर्टेंट डिस्कस होने वाले पॉइंट अबाउट ऑडियो कंपनी का एक्विजिशन के डिटेल्स एग्रीमेंट के, और दूसरे बात डाउन कम्युनिकेशन का जो सेटलमेंट है, जो लाइकोस कंपनी को एक्वायर किया था उसके भी डिस्प्यूट का सेटलमेंट के बारे में भी बात होने वाली है। बट लेट्स होप कि कुछ पॉजिटिव निकल कर आए आज और मीटिंग में, तो कल तो भी इसमें तेज़ी देखने को मिले, बट अगर कल भी कुछ खास इस मीटिंग में से निकल कर नहीं आया तो कल भी शायद हमें मंदी देखने को मिल सकती है। बट इसका 38 का जो सपोर्ट है वो लगातार मेंटेन कर रहा है, 38 रुपीज़ 50 पैसे का, और उसका अगला सपोर्ट है 36 का, एंड उसका अगला सपोर्ट है 34 का। हायर साइड में 42 क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, 44, 42, 44 एंड 48, ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता है हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज़ी नहीं देख सकते हैं। और Q2 का रिजल्ट का डेट भी अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है, वो भी डिक्लेयर होगा तो पॉजिटिविटी आएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अभी तक आया नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस वीक में आने की उम्मीद है, उसमें भी कुछ पॉजिटिव आया तो तेज़ी आ सकती है। लेट्स होप कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए और ब्रैडकॉम को फिर से ऊपर जाए, बट अभी थोड़ा सा लोग निराश है, एंड बट अभी ये जो मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा, तो हो सकता है हमें अच्छी खासी तेज़ी कल देखने को मिले। बट वी वेर होपिंग कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, और प्लस आज की मीटिंग का आउटकम आज ही आ जाएगा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, बट ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि मीटिंग का टाइम डिक्लेयर नहीं किया था कंपनी ने नोटिफिकेशन में, सिर्फ मीटिंग पोस्टपोन हुई है इतना ही बताया है, इसीलिए पिक्चर क्लियर नहीं है।
सो दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मीटिंग कब होने वाली है. जब भी होगी उसके बारे में भी अपडेट करने की कोशिश करूँगा. आई एम अगेन ट्रैवलिंग, अभी मैं कार में फिर से जा रहा हूँ. आई एम गोइंग बैक टू होम टाउन. तो हो सकता है मैं वीडियो बनाने में लेट हो जाए या रात को, अगर जब तक कोई नोटिफिकेशन आ गया तो आई ट्राई टू मेक वीडियो लेट नाइट ऑल्सो. एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू वॉन्ट जैकपॉट शेयर यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9545850000 इस नंबर पर. फर्स्ट जैकपॉट शेयर का प्राइस है ओनली 500 रुपीज़, जो कि आपको 1 डे से 15 डेज में 10% का प्रॉफिट दे सकता है. थैंक यू फ्रेंड्स.